राजीव बेटा, इतना बड़ा फैसला। माँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। या तो मेरा तलाक होगा या नेहा की जिंदगी बचेगी। मैं नेहा की जिंदगी चुनता हूं। डॉक्टर ने कहा है कि नेहा इस सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैं और निकिता शादीशुदा हैं। मैं एक रिश्ता तोड़कर एक जिंदगी बचा रहा हूं। निकिता, नेहा ये भी चाहती है कि तुम्हारे कदम इस घर की दहलीज में दोबारा ना आए। वो ये चाहती है कि तुम्हारा साया भी इस घर पे ना पड़े। नेहा, ये लो। ये क्या है? तलाक के कागजात हैं। निकिता ने साइन कर दिए हैं। और हाँ, निकिता को मैंने ये भी कह दिया है कि इस घर की दहलीज पे वो दोबारा कदम न रखे। उसका साया भी यहां पर नहीं आएगा। शुभ विवाह, राजीव वेड्स निकिता। रो ले बेटा, खूब रो ले। आज तुझे इतनी बड़ी चोट लगी है। जब दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है निकिता, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। जो हम सोचते हैं कभी नहीं होगा, वही चीज सच्चाई बनकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। नहीं माँ, आप भी बताइए माँ, इसमें मेरा क्या कसूर, मेरा क्या दोष है? तेरा कोई दोष नहीं है बेटा, तेरा कोई दोष नहीं है निकिता। ये तो किस्मत का दोष है जो हर मोड़ पर हमारे सामने एक नया नया खेल खेलती है।
माँ, आपकी ये बेटी अधूरी हो गई माँ, अधूरी हो गई। नहीं निकिता, नहीं बेटा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना मैं नेहा को दोष दे सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें हिम्मत दे सकती हूँ। पर निकिता, हिम्मत से तुझे हालात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर भगवान ने नेहा की उम्र बढ़ाई है तो वो उसकी मर्जी है, और आज अगर तुझे ये दुख दिया है तो वो भी उसकी मर्जी है बेटा। नहीं माँ, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी के आगे मैं अच्छी शिकार बन गई माँ। नहीं निकिता, नहीं, ऐसे नहीं कहते। वक्त जो है ना, बहुत बड़े बड़े जख्मों को भर देता है बेटा। तू देख, एक दिन वक्त सब कुछ ठीक कर देगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं माँ, नहीं, मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे, मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे माँ, मेरे जख्म अब नासूर बन गए। मेरे पास ही रहो माँ। क्या बात है, किसी की नजर पड़ते ही और किसी के हाथ पर जोर से चलने लगे हैं। काम की बात करो जरा सेठ। अरे यार समीर, ये भी कोई वक्त है काम का? ऐश करो यार, एंजॉय। परसों ही मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए। 50 लाख रुपए तुमने नहीं, मैंने खुद कमाए। एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं जरा सेठ, आइंदा से ना तो मैं तुमसे कभी ये पूछूंगा कि तुम्हारी कितनी बीवियां हैं, कितने धंधे हैं, और ना तुम मुझे ये बताना कि मुझे अपने पैसे से क्या करना चाहिए क्या नहीं। चले थे घर से 2 घूंट लगाने के लिए मैखाने में, हमें क्या मालूम था मिल जाएगा यारों का हुजूर। अरे क्या बात है, क्या बात है राजा भैया, बड़ी शायरी सीख रहे हो जेल से। राजा तुम? जेल से निकल आया बाहर जरा नजारे देखने के लिए। नहीं, लेकिन तुम्हारी सजा तो काफी लंबी थी। हाँ काफी थी, मगर जल्दी छूट गया। पर कैसे यार? गुड बिहेवियर यार। तुम बताओ कैसा चल रहा तुम्हारा? अच्छा चल रहा है, रोज तुम्हारा एहसान याद करता हूँ। मेरा एहसान? जोरावर सेठ से तुम्हीं ने तो मिलवाया था मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो और भी कई बड़े बड़े काम करा सकता हूँ। चलो अब सलाखों से बाहर आ गए हो तो वो भी देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं किसी काम आ सकता हूँ तुम्हारे? नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, काम तो मुझे आना तुम जैसे लोगों के लिए। वैसे एक हिसाब चुकता करना है, उसी की तलाश में हूँ। रुकिए तो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। नेहा बेटा, ये सब चीज़ें क्या हैं? मम्मी जी, मैं अपना कमरा साफ कर रही थी, कुछ कपड़े और चीज़ें ऐसी मिली जिनकी अब इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि आश्रम में जाकर दान कर देती हूँ, चले राजीव। नेहा बेटा ला, ये चीज़ें और कपड़े मुझे दे दे, वो
एक महिला आश्रम की इंचार्ज मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैं उसे सब चीजें दे दूंगी। इस बहाने उसे मिल भी लूंगी और वो खुश हो जाएगी कि मैंने उसके आश्रम में ये सब कुछ दिया। राजीव बेटा चल मुझे रास्ते में छोड़ देना। अरे मम्मी जी आप बस बस जीती रहो, अंदर आइए। बेटा दरवाजा खुलने से पहले मन बहुत घबरा रहा था कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कहोगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। पर बेटा सच तो ये है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। नहीं मम्मी जी। बेटा मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ, मेरी ही आंखों के सामने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बिखर गई और मैं कुछ नहीं कर सकी, नहीं बचा पाई बेटा तुम्हारी खुशियां। पर बेटा मैं जानती हूं तुम बहुत हिम्मत वाली हो। नहीं मम्मी जी मैं हिम्मत वाली नहीं, मैं टूट चुकी। बस अब और नहीं जा रही था, नहीं जा रहा था। जानती हूं बेटा बड़े से बड़े दुख को सहना आसान होता है, मगर प्यार को इस तरह बिखरता देख जो दर्द होता है वो नहीं सह जाता। भगवान ने मुझे ऐसी किस्मत क्यों दी, मैंने तो जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का हक नहीं छीना, फिर भगवान ने मेरी ही किस्मत में टूटे हुए रिश्तों का दुख क्यों लिखा था। बस बेटा बस निकिता, बेटा सहानुभूति के अलावा मैं और कुछ भी। निकिता तुम्हारा ये सामान वहां रह गया था, वो अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो इसकी क्या जरूरत थी। आपने तकलीफ क्यों की माँ जी। तकलीफ तकलीफ कैसी बेटा, हाँ तुम ये सोच सकती हो कि एक बहाना था, मन बहुत बेचैन हो रहा था तुमसे मिलने के लिए इसलिए राजीव के साथ चली आई। राजीव। हाँ बेटा वो मेरे साथ आया है, बाहर खड़ा है, अगर तुम कहो तो मैं उसे बुला लूं। मुझसे नाराज होना, तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक भी है, अगर चाहो तो मुझसे मुंह भी फेर सकती हो। मैंने तुम्हें वादा किया था कि हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं क्या करता, मजबूरी थी। ये तुम रख लो, ब्लैंक चेक है, जो भी रकम चाहे भर लेना, क्योंकि इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा कोई हक नहीं है। मेरे पास जो भी है सिर्फ तुम्हारा ही है। मिस्टर राजीव गुप्ता, किस हक से ये हक जताने आए हो मुझ पर, और किस हक से मैं ये ले लूं? सारे हक रिश्तों के तो खत्म होते ही खत्म हो गए थे। शुक्रिया नहीं कहूंगी इन कागज के टुकड़ों के लिए, जिसे देखकर तुम अपनी आत्मा पर बड़ा बोझ हल्का करना चाहते हो, या फिर यूं कहूं कि ये मेरे दुखों की कीमत है जो तुमने मुझे दी है। निकिता, नहीं राजीव, आज मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगी। हमारे बीच सारे रिश्ते, सारे बंधन उसी वक्त टूट गए थे जब मैंने तलाक के कागजात पर साइन किया था। नेहा ने जान देने की धमकी दी तो तुमने मेरी जिंदगी धौ पर लगा दी। तुम्हारे दिल पर हक नेहा का, तुम्हारी बीवी कहलाने का हक नेहा का है, और मेरा, आज तुम अपनी कमाई पर मुझे हक देने आए हो? नहीं चाहिए मुझे, ठुकराती हूं मैं ये हक। चले जाओ राजीव, चले जाओ यहां से, अब दोबारा इस घर की चौखट पर कभी कदम मत रखना। बदले